स्वास्थ्य केंद्र राया पर स्टाफ नर्स की गैर मौजूदगी में आशा कार्यकर्ता ने ही महिला की डिलीवरी कर दी और मात्र एक घंटे के बाद बिना लिखा पढ़ी के महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी। इस दौरान महिला के परिजनों से सुविधा शुल्क भी लिया गया, जिसकी शिकायत महिला परिजनों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की है। बताया गया कि गांव केसरा निवासी वीरेंद्र कुमार गांव की आशा कार्यकर्त्री के साथ अपनी पत्नी तेजवती को प्रसव कराने हेतु किरण देवी महिला स्वास्थ्य केंद्र राया पर सुबह 4 बजे लेकर पहुंचे। इस दौरान रात्रि में रत्नेश देवी और आशा कार्यकर्त्री की ड्यूटी थी, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र राया पर ना तो कोई महिला चिकित्सक मिली, ना स्टाफ नर्स उपस्थित न होने पर इस दौरान महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर आशा कार्यकर्त्री ने ही महिला की डिलीवरी कर दी और एक घंटे बाद ही महिला को रजिस्ट्री में कोई बिना लिखा पढ़ी कर अस्पताल से छुट्टी कर दी। नियम के मुताबिक प्रसव को आई महिला को 48 घंटे तक जच्चा बच्चा की देखभाल हेतु रखा जाता है। इस दौरान महिला के परिजनों ने सुविधा शुल्क भी लिया गया, जिसकी शिकायत महिला के पति मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा से की। बीती रात्रि को एक अन्य मामले में दूसरी घटना गांव मदेव निवासी एक महिला को सुबह 4 बजे आशा कार्यकर्त्री 102 एम्बुलेंस द्वारा स्वास्थ्य केंद्र राया पर लाया गया, लेकिन ना तो महिला चिकित्सक मिली और ना ही ड्यूटी पर स्टाफ नर्स के न मिलने पर आशा कार्यकर्त्री महिला को कमीशन के चक्कर में राया कस्बा के एक निजी चिकित्सालय ले गई, जहां प्रसव पीड़ित के परिजनों ने बताया कि प्राइवेट चिकित्सालय से फिर दोबारा उसे राया स्वास्थ्य केंद्र राया में भर्ती कराया गया। मथुरा स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही के चलते राया किरण देवी स्वास्थ्य केंद्र पर कमीशन का खेल लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बेंजी क्या नाम है, कहाँ की निवासी? मेरा नाम हेमलता है, मैं मदेम सिंह। कौन हो आप? मैं आसाम में। जी बताएं क्या क्या समस्या आई थी? ये मैं 3:30 बजे यहाँ से पेशेंट को लेकर के आई थी, यहाँ कोई स्टाफ मिला नहीं था जी। आसाई पूजा नाम की, तो उन्हीं के आपकी इच्छा है जहाँ ले जाओ, यहाँ पर ये डिलीवरी हो रही नहीं है। परेशान प्रॉब्लम ये थी, उसके ब्लीडिंग चल रही थी, वो बोली के मौन ही बोला है। तो मरीज का कहना यह है कि इन्होंने ये कह दिया प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ, फिर क्या हुआ? कहीं भी ले जाओ, आपकी मर्जी है। फिर क्या हुआ? हाँ, उनके ही मथुरा ले जाओ, तो स्लिप तो मुझ पे है नहीं है छुट्टी की, तो मरीज बोले ला तो हम कहीं दिखा। मैं हमारे मरीज को कुछ हो गई तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी तो ये है कि होगा तो मंचा जाओ, हो सकता है वो तो उन्हें वैसे यहाँ देखो। फिर जी बहन जी आ गई, फिर इनने चेक करा, फिर इनने रखा। क्या कह रही है जी? ये जो कह रही है अभी तो मैं दुलाओ घुमाओ यहाँ पर, और मैं देखूंगी बच्चा हो जाएगा, अभी 5-6 घंटे देखो तो सही क्या प्रॉब्लम आ रही है। जानकारी मिल रही है रात को यहाँ पे जो डिलीवरी होने आई थी, यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं मिला है, बगैर स्टाफ के यहाँ आशा है मिली, वो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने के लिए यहाँ से रेफर किया। कोई रिकॉर्ड वगार्ड उसमें कोई एंट्री है या नहीं है? कुछ डिलीवरी ऐसी हुई है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक्चुअली में मेरी ड्यूटी तो मॉर्निंग 8 बजे से लगी हुई है अपने यहाँ पे, और जब मैं 8 बजे आई तो स्टाफ नर्स तो खैर मुझे भी नहीं मिली यहाँ पे, और एक आशा थी स्वर्गोत्तर की पूजा है वो मुझे मिली यहाँ पे। उससे मैंने पूछा भी कि भाई कहाँ है स्टाफ, तो उन्होंने बोला कि दीदी उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो यहीं गई होंगी। इस टाइप से तो मुझे बोला, तो फिर मैंने उसको जरा मैंने कहा होगी यहीं पर, पर मुझे ओवर किस तरीके नहीं मिला, मैंने ढूंढा मुझे कोई स्टाफ यहाँ नहीं मिला, बस बाकी वो यहाँ से मुझे देख के तुरंत ही तुरंत चली गई थी यहाँ से। और डिलीवरी की उन्हें मुझे बता के गई कि दीदी रात में डिलीवरी हुई थी, पर दीदी ने एंट्री की तबीयत खराब थी, इस टाइप से मुझे उन्होंने बोला है, पर मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और पेशेंट भी यहाँ से 4 बजे डिलीवरी बताई गई थी और 6 बजे यहाँ से ज़बरदस्ती भेज दिया गया, और उसी किस तरह का कोई एंट्री यहाँ पे नहीं है। कोई लिखित में उन्होंने दिया है आपको? लिखित में उनकी आशा आई थी, उनकी एंट्री वगैरह कुछ नहीं था, तो आशा मेरे पास आई कि दीदी मेरी एंट्री नहीं है रजिस्ट्रो में, आप कर दीजिए, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। मैंने उनको बोला भाई आप मुझे पहले लिखित में दो कि भाई आपकी एंट्री नहीं है, तो इसलिए आशा जी ने एक अपना पत्र दिया है प्रार्थना पत्र कि उसमें मेरी डिलीवरी जो हुई है यहाँ पे कचेरा की डिलीवरी थी, और उसकी एंट्री आप कर दें। आशा कचेरा की है, शारदा नाम है आशा जो रात में